जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं भारतीय टीम BTC के फाइनल में पहुंच गई है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून को इंग्लैंड के एडिलेड के मैदान पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें भारतीय टीम ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया है। अब बात कर लेते हैं वनडे सीरीज की, तो वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। बता दें 17 मार्च से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। बता दें रोहित शर्मा निजी कारणों से पहला वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे, इसलिए पहले वनडे मैच के लिए हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी खबर, पर इससे पहले आपको भी क्रिकेट देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं पहले वनडे मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। तो पहले वनडे मैच में ओपनिंग करने सुमन गिल और ईशान किशन आएंगे। सुमन गिल इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। सुमन गिल शतक पे शतक ठोके जा रहे हैं। बता दें अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 4th टेस्ट मैच में सुमन गिल ने शानदार 128 रन की पारी खेली। ईशान किशन फिलहाल बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, पर हम सब जानते हैं ईशान किशन कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। नंबर 3 पर हमें विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली इस समय धमाकेदार पारियां खेल रहे हैं। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 4th टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 186 रन की धमाकेदार पारी खेलकर साबित कर दिया कि वे अभी काफी समय तक क्रिकेट खेल सकते हैं। नंबर 4 पर T20 के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव ने टेस्ट मैच में डेब्यू किया था, पर सूर्य अपने डेब्यू मैच को यादगार नहीं बना सके। पर सूर्य कुमार यादव T20 और वनडे मैचों में आते ही अपने रंग में आ जाते हैं और चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर देते हैं। नंबर 5 पर हमें कप्तान हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या अपनी शानदार कप्तानी और अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट फैंस को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या ऐसे ही शानदार प्रदर्शन करते रहे तो उन्हें वनडे और T20 का परमानेंट कप्तान बना दिया जाएगा। नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया है। जडेजा ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों को काफी परेशान किया है और 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच भी रहे। नंबर 7 पर अक्षर पटेल को टीम में जगह मिली है। अक्षर पटेल भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दोनों से ही कमाल दिखा रहे हैं। नंबर 8 पर चहल को टीम में शामिल किया गया है। चहल अपनी स्पिन गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को परेशान करेंगे। नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी तो अच्छी करते ही हैं और साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। नंबर 10 और 11 पर उमरान मलिक और मोहम्मद शमी को टीम में जगह मिली है। दोस्तों कमेंट करके बताना भारतीय टीम टेस्ट सीरीज की तरह ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में भी हरा सकती है नहीं।